गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. मायसेल्फ श्वेता मुदगल, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा. स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीके एंड चैप्टर नंबर 47, अराउंड अस. इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सम म्यूजियम्स अराउंड अस. बेटा, आप सब लोगों ने म्यूजियम में विजिट किया होगा. म्यूजियम के नाम आते ही आपके माइंड में क्या आता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें एक आर्टिस्टिक, कल्चर, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक चीज़ें को हमको देखने को मिलेगी. ठीक है, इट इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ ग्रेट नॉलेज. बहुत ट्रेजर हाउस है ग्रेट नॉलेज. ठीक है, वेयर आर दीज म्यूजियम्स लोकेटेड? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प ऑफ व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू मेंशन अ प्लेस वेयर इट इज़ लोकेटेड. नंबर वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भारत भवन. एस्टेब्लिश इन 1982, शोकेसेस इंडियाज ट्राइबल एंड फोक आर्ट हेरिटेज. क्या दिखाता है हमें? इंडिया का ट्राइबल और फोक आर्ट हेरिटेज दिखाता है. इट इज सिचुएटेड इन भोपाल. ठीक है, मीन्स इन MP, मध्य प्रदेश. नंबर टू, कैलियो म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश इन 1949 बाय द सारा भाई फैमिली who were textile mill owners. Its collection of rare royal tents, carpets, costumes, brocades, kind of cloth, Kashmiri shawls, etc. are displayed in old Haveli. इसमें ये सब चीज़ें किसका कलेक्शन है? ये टेंट्स, कारपेट्स, कॉस्ट्यूम, ब्रोकेट्स, कश्मीरी शॉल्स, इन सबको डिस्प्ले किया जाता है. और ये लोकेटेड है कहाँ पर? अहमदाबाद में. म्यूजियम का नाम है कैलियो म्यूजियम. सो स्टूडेंट, नंबर थ्री, वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट दैट वॉज एस्टेब्लिश इन 1994 बाय द इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज. इन शॉर्ट वी कैन से इंटेक, और INTACH. इट इज सिचुएटेड इन गोवा. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल प्लेसेज ऑफ बीचेज. नाउ नंबर फोर, वी आर टॉकिंग अबाउट Namgyal Institute of Tibetology, established in 1958, has a rare collection of Buddhist scriptures and sculptures. Means बहुत rare collection किसका? Buddhist scriptures और sculptures का. Buddhist scriptures and sculptures का कहाँ पर? Namgyal Institute of Tibetology, that is in placed in a northeastern state, very beautiful, that is Gangtok and the capital of Sikkim. ठीक है, now next we will talk about Salarjung Museum. The picture is given here. Number four, we will talk about Salarjung Museum that was established in the year 1951, has a collection of over 40,000 objects that once belonged to Salarjung III, the prime minister of Hyderabad, 1889 to 1949. बेटा, सालारजंग वॉज अ वेरी नोबल फैमिली ऑफ हैदराबाद. सो वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट अ रेयर कलेक्शन ऑफ अबाउट 40,000 ऑब्जेक्ट्स दैट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद. ओके, नंबर सिक्स, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज अ फेमस फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ राजपूत मिनिएचर्स एंड स्कल्पचर्स. मिनिएचर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट राजपूत मिनिएचर्स एंड स्कल्पचर. मिनिएचर इज अ वेरी स्मॉल फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वे लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल और रेप्लिका. ओके, एंड आंसर इज मुंबई. इट इज सिचुएटेड इन मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम. नंबर सेवन, रविंद्र भारती वॉज द होम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड हैज़ मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स. रविंद्र भारती, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर के होम के नाम से भी जानते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर, यू नो, बंगाली इंडियन, फेमस इंडियन बंगाली पोएट. ठीक है, एंड वॉज अ ऑथर ऑफ बुक नेम गीतांजलि. वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर एज वेल. सो द प्लेस इज सिचुएटेड इन कोलकाता. नंबर एट, विक्टोरिया मेमोरियल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हैज 25 गैलरीज फुल ऑफ स्टैचूज एंड पेंटिंग. इट इज़ अ सिटीज मोस्ट फेमस लैंडमार्क. बट अगर आप बात करोगे विक्टोरिया मेमोरियल की, तो आपके माइंड में अपने आप ही एक पिक्चर कोलकाता की क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक फेमस लैंडमार्क है, दैट इज इन सिचुएटेड इन कोलकाता. नंबर नाइन, लास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज सेटअप इन 1664. द कलेक्शन इंक्लूड्स आइटम्स ऑफ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच पीरियड्स एंड ऑफ द वुडेयर्स ऑफ मैसूर. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन चेन्नई, मीन्स इन साउथ ऑफ इंडिया.
Now, students, very interesting chapter. We are going to talk about famous Indian authors who has written some famous books, है ना? Under language and literature. Indian top authors have influenced an entire generation with their writings. Students, reading books is such a very good hobby. It increases our knowledge. We can gain so many knowledge by reading books as well. So we can say that the Indian authors have influenced an entire generation with their writings. They had left a very good influence on our coming generation as well. So famous books and the authors of the Indian origin have earned a standing in the literary circles by their sheer writing expertise, and they are considered the nation's pride. इनको हम nation pride बोलते हैं, जिनके ऊपर हम कहते हैं कि they are very famous personalities who have written such kind of books. We are going to discuss in this chapter. Match these famous Indian authors with their works. Name of the authors are given in this row and their works given in this row. We have to match them. Okay, beta. Number one, we are going to talk about Amit Chaudhary, and he has written the book The Immortals. The author of The Immortals, we can say, is Amit Chaudhary. Number two, Vikram Seth. Vikram Seth, and the answer is The Golden Gate. The Golden Gate is a first book of the famous author Vikram Seth. Number three, Arvind Adiga, and the answer is Arvind Adiga. We will match with The White Tiger. The book name The White Tiger was written by Arvind Adiga. Number four, we will talk about Kushwant Singh. Along मतलब बहुत सारे इनके कलेक्शन में एक था द ट्रेन टू पाकिस्तान, विच वॉज अ वेरी वेरी फेमस बुक. बट इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर फोर, विच इज मैंशन एयर, द ब्लैक जैसमिन एंड डेली. ओके, नाउ नंबर फाइव, आर के नारायण. नंबर फाइव, वी विल टॉक अबाउट द गाइड. स्टूडेंट, द गाइड इज अ बुक रिटन बाय अ फेमस पोइट आर के नारायण. मीन्स इनके अदर वर्क्स की तरह ही इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ मालगुडी. मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, नाउ नंबर सेवन, नंबर सिक्स, वी विल आर टॉकिंग अबाउट रस्किन बॉन्ड, एंड हिज बुक्स नेम इज अ फेस इन द डार्क एंड अदर हॉन्टिंग्स. ठीक है, नंबर एम को आप सिक्स से मैच करेंगे. नाउ नंबर सेवन, दैट इज अमिताभ घोष. द ग्लास पैलेस वॉज रिटन बाय अमिताभ घोष. नंबर नाइन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेतन भगत. नंबर एट, बेटा चेतन भगत की एक टू स्टेट नाम की बुक थी जिसपे की एक इंडियन फिल्म भी बनी है. नंबर एट, दैट इज द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिटन बाय चेतन भगत. एंड नंबर नाइन, सलमान रश्दी. नंबर नाइन, सलमान रश्दी की बुक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन. दिस इज़ अ 1981 नॉवल बाय सलमान रश्दी. इन इट ही पोर्ट्रेस द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस, फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, नंबर नाइन. नाउ नंबर टेन, दैट इज झुम्पा लहरी. नंबर टेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेमसेक. द बुक रिटन बाय झुम्पा लहरी इज द नेमसेक. नंबर इलेवन, रोहिंटन मिस्ट्री. ही रोट द बुक सच अ लॉन्ग जर्नी. नाउ ट्वेल्व, मुल्क राज आनंद. बेटा मुल्क राज आनंद की एक बुक थी अनटचेबल, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अनटचेबिलिटी के ऊपर बेस्ड थी. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज आंट स्टोरी हु हैड अ मील विद अ मुस्लिम वुमेन एंड वॉज ट्रीटेड एज अ आउटकास्ट बाय हर फैमिली. तो शी वॉज इंस्पायर्ड बाय हर आंट्स एक्सपीरियंस एंड रोट अ बुक नेम अनटचेबल. ओके, नाउ नंबर थर्टीन, वी आर टॉकिंग अबाउट किरण देसाई. द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द बुक नेम द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज रिटन बाय किरण देसाई. नंबर फोर्टीन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेमस इंडियन बंगाली पोएट नेम रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फेमस क्रिएशन विच इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स. नंबर फोर्टीन, दैट इज गीतांजलि, एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड अ नोबल प्राइज फॉर दैट. नंबर फिफ्टीन, विजय तेंदुलकर, एंड हिज कलेक्शन इज घासीराम कोतवाल. सो मेंशन ऑल द आंसर्स वेरी केयरफुली.
आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू सो मच.